देखो, ये पॉजिटोनियम एटम इज इन ए इज ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिट ईच अदर. ठीक है, कंपेयर द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द पॉजिट्रोनियम विद दोज ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम. पॉजिट्रोनियम एटम बहुत ही फेमस है बेटा. क्या होता है पॉजिट्रोनियम एटम? इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज। हाँ नहीं, वो तो पॉजिट्रॉन हो गया. पॉजिट्रोनियम एटम का मतलब क्या? पॉजिट्रोनियम होता है, एक प्लस ही होता है और एक माइनस ही होता है. ठीक है ना? अब सेम मास के होते हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर में, उसके अबाउट ये घूमता है. ये आपका पॉजिट्रोनियम एटम है. ठीक है, मास दोनों का सेम है तो अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि आप इसके अबाउट सर्कुलर मान लो. अब तो डेफिनेटली आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही सर्कुलर मोशन माननी पड़ेगी. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? पॉजिट्रोनियम एटम इज ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिट ईच अदर. ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ पॉजिट्रोनियम विद दोज ऑफ ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम की जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, जैसे कि 13.6 इलेक्ट्रॉन, वो 10.2, 12.09, 12.75, इस तरह की एनर्जी की जो लाइंस है, ठीक है, उनकी जो वेवलेंथ है, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, ठीक है, उनको आपको कंपेयर करना है और इससे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम से, इस एटम की. ठीक है, तो एनर्जी का देख लो आप, लेमडा कैसे चेंज होगी. ठीक है ना, तो एनर्जी क्या होती है अपनी? एच सी बाई लेमडा. अब एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? मास के. ठीक है ना, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? मास के. और एनर्जी प्रोपोर्शनल है 1/लेमडा के. तो जो मास है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/लेमडा हुआ कि ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो आपका वहां पे क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पर म्यू कितना हो जाएगा? म्यू निकालो आप पहले. देखो दोनों मास सेम है तो म्यू कितना हो गया? ME/2। हाँ, म्यू आप निकालेंगे तो क्या, m1 m2 upon m1 plus m2. m1 m2 हो गया m2, ये हो गया m+m, तो कितना आ गया? m/2, ये रिड्यूस मास आ गया. पॉजिट्रोनियम आयन का रिड्यूस मास कितना होता है? m/2. ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो म्यू होगा दैट इज ME/2. तो आप देख लो, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/लेमडा एंड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास, बेसिकली ME/2 प्रोपोर्शनल टू 1/लेमडा. ठीक है, तो ME प्रोपोर्शनल टू 1 ऑफ हाइड्रोजन के लिए तो ये हो जाएगा. ठीक है, हाइड्रोजन के लिए वेवलेंथ मानी लेमडा एच है, यहाँ पर ME तो चेंज हो गया किससे? ME/2 से, तो यहाँ पे ME/2 प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो. ठीक है, लेमडा पी पॉजिट्रोनियम के लिए, तो आप डिवाइड कर दो बस. तो मतलब एनर्जी प्रोपोर्शनल थी मास के, इसलिए प्रोपोर्शनल टू 1/लेमडा हुआ. ठीक है, और मास ही तो चेंज हो रहा है, वहां पे सारी चीजें क्या थी? एम ई थी नॉर्मल एटम में, यहाँ पर कितनी है? ME/2. तो आप दोनों को डिवाइड कर दो. ठीक है, तो हाइड्रोजन का और इसके पॉजिट्रोनियम आयन की वेवलेंथ का रेशियो कितना आ जाएगा? ट्वाइस. मतलब कि आपकी जो पॉजिट्रोनियम की होगी वो ट्वाइस ऑफ लेमडा एच होगी. ठीक है ना, पॉजिट्रोनियम आयन की जो स्पेक्ट्रम होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम. बात क्लियर है बेटा? सिंपल सा एक चीज याद होनी चाहिए बस, एम पॉजिट्रोनियम का म्यू कितना होगा? ME/2. तो वो ME/2 हुआ तो एनर्जी आधी हो गई, एनर्जी आधी हो गई तो वेवलेंथ दुगनी हो गई. बहुत ही सिंपल सी बात, समझ रहे हैं शुरू से? पॉजिट्रोनियम का रिड्यूस मास कितना है? ME/2, और हाइड्रोजन में कितना होता है? ME. ठीक है ना, हाइड्रोजन में होता है ME. तो अब आपका एनर्जी डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू ME, प्रोपोर्शनल टू 1/λh. क्लियर है आपको ये चीज? तो आपका मास आधा किया तो एनर्जी भी आधी हो गई, एनर्जी आधी होती है तो वेवलेंथ कितनी हो जाती है? ट्वाइस हो जाती है. कोई डाउट बेटा? ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बस आपको थोड़ा आइडिया हो जो मैंने दे दिया है, तो डेफिनेटली गलत नहीं हो सकता है प्रॉब्लम. ठीक है ना, डेफिनेटली प्रॉब्लम गलत नहीं हो सकता है. और कोई दिक्कत किसी को इस प्रॉब्लम में? म्यू निकालने में सेम मास होते हैं तो रिड्यूस मास कितना हो जाता है? आधा हो जाता है. ठीक है.